आप देखना शुरू कर चुके हैं गोलचीवर्स, हमारी हाईली प्रोफेशनल टीम आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लाती है और हम आपको मोटिवेट रखते हैं, भर्ती से जुड़ी जानकारी हम आपको लाके देते रहते हैं, भर्ती के लाइव वीडियोस हम आपको लाके देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोलचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है और क्या गलतियां आप सभी को नहीं कर रही, जिसके कारण आपका पूरा चयन प्रक्रिया हो जाने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उस गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं, आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग भी ना बताएं और कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है आपके गलत रजिस्ट्रेशन की वजह से, तो उसे कैसे फिक्स किया जाता है वह हम आपको बताने वाले हैं, और कैसे आपको सही तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का और क्या क्या वेज आपको फॉलो करने हैं। आज के इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करना हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप सभी ने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाए, आप सभी को हम वहां पे लाइव वीडियोस प्रोवाइड करके दिए हैं। दौड़ कैसी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, मेडिकल कैसा होता है, कौन सी एक्सरसाइज आप सभी को करनी चाहिए, दौड़ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पूरे वीडियोस हमने आपके लिए बना रखे हैं। तो गोल अचीवर्स को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी। पहली गलती, आपका जो नेम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वह आपकी सेम होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स में, चाहे आपका आधार कार्ड हो, टेंथ की मार्कशीट हो, लिविंग सर्टिफिकेट हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, हर जगह आपका नाम सेम होना चाहिए। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपकी टेंथ की मार्कशीट पे नेम है, वही नेम आपको रजिस्टर करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी, आपके पिताजी का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट नाम होगा तो आपको लास्ट में दिक्कत आएगी, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, जब आपका मेडिकल प्रोसेस हो जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप भर्ती के लिए जाते हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही नाम आप रजिस्टर करें। वैसे ही थर्ड गलती, आपके माता जी का नाम भी सेम होना चाहिए, तो यह गलती आपको नहीं करनी, तीनों गलती। जो चौथी गलती है, आपकी जिस राज्य की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी राज्य की आपको भर्ती देखनी है। आपके पास जहां से आपका अनुमान लगाते हो कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मैं पुलिस वेरिफिकेशन मेरा हो जाएगा, जहां के आपके पास पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसी राज्य की भर्ती आप देखें। मीन्स अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके भर्ती देखने का आप ट्राई ना करें, जिस राज्य के आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसी राज्य की भर्ती देखने का आप ट्राई करें। चलो देखते हैं किस प्रकार रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। चलो लेट्स वी आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो JCOOR इनरोलमेंट यहाँ पे लिखा होता है, यह सोल्जर्स के लिए होता है, ऊपर दिया गया ऑफिसर्स के लिए होता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई एंड लॉगिन, तो दूसरी साइट यहाँ पे ओपन हो जाती है, दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दिया होता है, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए होते हैं, तो आप सभी को इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है जिसमें आपका स्टेट मांगा जाता है। यहाँ पर अपना स्टेट आप चूज़ करें, उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल दें, और उसके बाद कैंडिडेट नेम, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, जो आपके टेंथ की मार्कशीट पे नेम है, आधार कार्ड पे नेम है, वही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके फादर का नेम आप एंटर करें, मदर नेम आप एंटर करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करें, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करें, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। वहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर एक साइड में चेक इन बॉक्स है, यहाँ पर आप ऐसा सिंपली क्लिक कर दें। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपके दिए गए जीमेल एड्रेस पे एक ओटीपी सेंड कर जाता है, वह ओटीपी यहाँ पे आपको बीच में एंटर करना होता है और सबमिट कर देना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपका नाम, आपके माताजी का नाम और आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सब ऑटोफिल हो जाता है। तो यहाँ पे मेल आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड है, दोनों आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। हाइट कितनी है यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाता है, आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होता है, आपकी स्टेट आपको मेंशन करनी होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वह आपको मेंशन करना होता है, तहसील आपकी कौन सी है, वह सभी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होती है।
और आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वह आपको बतानी होती है, आप पास्ट हैं या फिर अपेयरिंग है। और यहाँ पे आपको टेंथ की मार्कशीट के नंबर आपको मेंशन करने होते हैं और कौन से बोर्ड से आपने टेंथ पास की है वह भी आपको बताना होता है। और यहाँ पे जो नीचे जो आपको दिया गया है, आर यू रिमस्टरिंग कैडिनेट, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। और जैसे ही आप पासवर्ड कंफर्म करते हैं उसके बाद आपको एक कैचअप एंटर करना होता है, जो आप ऊपर दिया गया नंबर ही आपको नीचे एंटर करना है, उसके बाद आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चयन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आप अपना एक कदम सेना की ओर बढ़ा चुके होते हैं। तो उसके बाद आपकी भर्ती जैसे ही अनाउंस की जाती है उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करना होता है। यहाँ पे ऑनलाइन कई सारी भर्तियाँ यहाँ पे मेंशन की होती है जो आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्तियाँ आई होती है। तो जैसे ही अप्लाई करते हैं, अप्लाई प्रोसेस हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे। तो आप सभी ने देख लिया रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है, तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे अप्लाई किस प्रकार किया जाता है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। जब आपकी ओपन रैली आयोजित की जाती है, रिक्रूटमेंट न्यूज आती है, वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है वह हम जाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तो आप सभी को समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है। पार्ट 2 वीडियो आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहिएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।